गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में दो दिवसीय साहित्यिक मंथन कार्यक्रम का आयोजन नेपाल क्लब में किया जा रहा है। 19 व 20 दिसंबर को आयोजित मंथन कार्यक्रम के संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी ने बताया कि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का हमेशा से ही सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, कला, संस्कृति व पत्रकारिता से सरोकार रहा है, जिसके तहत 19 व 20 दिसंबर को दो दिवसीय साहित्यिक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। अध्यक्ष मार्कंडे मणि ने बताया कि मंथन कार्यक्रम में पूर्वांचल के विकास को लेकर भी चर्चा होगी, साथ ही कला, संस्कृति, साहित्य, पत्रकारिता के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ राजनीतिक, साहित्यिक, सिनेमा, रंगमंच व मीडिया का कई सत्र में विमर्श के साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी अवसर प्रदान किया जाएगा। इस दौरान फोटो प्रदर्शनी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी ने कहा, देखिए प्रेस क्लब जैसा कि आप जान रहे पत्रकारों का संगठन है और हम लोगों ने सामाजिक सरोकारों और दायित्वों का हमेशा निर्वहन किया। कोविड में भी हम लोगों ने जो है प्रेस क्लब के बैनर तले भोजन बंटवाना या कच्चा राशन उपलब्ध, बाढ़ में भी हम लोगों ने, और प्रेस क्लब समय समय पे साहित्यिक, राजनीतिक या जैसा भी है विचार गोष्ठी और ये सब कुछ कराता रहता है। उसी के क्रम में मुझको लगता है कि इस तरह का दो दिवसीय पहली बार साहित्य मंथन नाम से हम लोगों ने कार्यक्रम करने का मन बनाया, हमारी कार्यकारिणी ने निर्णय किया और 19-20 दिसंबर को शनिवार इतवार हम यह कुल 6 सत्रों में, सांस्कृतिक संध्या अगर ले लें तो कुल 8 सत्र हैं हम लोग आयोजन करा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न सत्रों में अलग अलग अतिथि आ रहे हैं। जैसे कि साहित्यिक जो हमारा है उसमें वाइस चांसलर हैं, उसमें एक इतिहास संकलन के राष्ट्रीय सचिव हैं बालमुकुंद जी हैं, वो आ रहे हैं। पत्रकारिता का सत्र IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के DG आ रहे हैं, एक सत्र है बुद्ध पे, उस पर DGP गुजरात आ रहे हैं और अनेकों जो सत्र हैं उसमें अलग अलग विधा से जो साहित्य की विधा है उसमें अरुणेश नीरन जी हैं, रामदेव शुक्ला जी हैं, अनंत मिश्र जी हैं, अजय उपाध्याय जी हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो तमाम ढेर सारे लोग हैं। तो और जो हम लोगों ने सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम रखा है, पहले दिन हम स्थानीय कलाकारों को उसमें जगह दे रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं, उनको शहर सुनेगा, हम लोग सुनेंगे। अगले दिन जो हमारा है 20 तारीख को, उसमें हमारी गोरखपुर की बेटी जो इंडियन आइडियल में गई थी, अभी AR रहमान की टीम के साथ जो है वो काम कर रही है, पारुल मिश्रा, वो अपने समूचे बैंड और जितना भी उनका संसाधन है, म्यूजिक सिस्टम या जो भी उनके सारी चीज़ें हैं वाद्य यंत्र, वो पूरी टीम के साथ 8 लोगों के साथ आ रही हैं और गोरखपुर को वो सुनाएंगी। तो कुल मिला के ये कार्यक्रम की रूपरेखा है और हम लोग आखिरी चरण में उसकी तैयारी कर रहे हैं, कहाँ किसको रहना है, कहाँ किस सत्र में कैसे करना है, तो दायित्वों का निर्वहन आपस में हम लोग बांट के कर रहे हैं और निश्चित तौर पे शहर को इससे लाभ होगा, क्योंकि गोरखपुर बाबा गोरक्षनाथ की धरती है, कबीर की धरती है, बुद्ध की धरती है और यहाँ से अनेकों नेक जो है वो साहित्यकार यहाँ से निकले हैं, पत्रकार निकले हैं, तो उसमें हमारे यह संस्कृति हमारी रही है, तो उसी के तहत एक कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिले और उसी के तहत इस मंथन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। फोटो प्रदर्शनी की बात हो रही है जी, देखिए हम लोगों के जो एक साथी रहे डॉक्टर राजीव केतन, कोविड ने उनको हमसे छीन लिया और हम लोगों के सबके बड़े करीब थे, अच्छे फोटोग्राफर थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, अन्य विधाओं में पारंगत थे, हसमुख थे, तो एक उनकी पुण्यस्मृति में हम लोगों ने जो पूर्वांचल जिस तरह से पर्यटन के दृष्टिकोण से उभर रहा है उस पर हम लोगों ने उसको केंद्र बिंदु बना के एक फ़ोटो एग्जीबिशन भी रखा है, तो उनकी स्मृति में, साथ ही इसमें जो इलाहाबाद से, प्रयागराज से जो प्रकाशक हैं वो अपनी पुस्तकों को लेके आ रहे हैं, टेराकोटा का लग रहा है, यहाँ पर गीता प्रेस का लग रहा है, हम लोगों ने पुरस्कार में जो है जो राज्य सरकार की योजना है 1 District 1 Product टेराकोटा जो हम लोगों का है ये पूरे देश में जाता है, तो हमने उसको विदेशों में जाता है तो हमने उसको बढ़ावा देने के लिए टेराकोटा और ये जूट का झोला और इस तरह से तमाम सामग्री हम लोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा आयोजन होने जा रहा है। हम शहर से अपील करेंगे, शहर के लोगों से, कि कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में शामिल हों
और निश्चित तौर पे उनका जो है इससे लाभ ले सकेंगे। आयोजन स्थल भी निर्धारित किया गया जी, हम लोग नेपाल क्लब में कार्यक्रम करा रहे हैं जो जागरण और RTO के ठीक सामने है, इसको सिविल लाइन रोड कहते हैं। वहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था है और कोविड का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल जो है उसके तहत कि सैनिटाइज़र और डिस्टेंस पे कैसे बैठाया जाए, तो वो सारी चीज़ें कोविड प्रोटोकॉल के तहत कर रहे हैं। प्रवेश निःशुल्क रहेगा, टिकट मिलेगा? नहीं, निःशुल्क रहेगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में मुझको नहीं लगता है कि वो सशुल्क किया जाए, और ये अपने शहर का कार्यक्रम है, इसको हम लोग निःशुल्क ही रखेंगे।